बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बनी इसराइल के ग्रोह ने ऐसा क्या अमल किया कि 100 साल पहले मरा हुआ शख्स दोबारा जिंदा होकर कब्र से बाहर निकल आया। और नाजरीन, ये भी जानेंगे कि बनी इसराइल के एक मकरूज आदमी ने कर्जे की रकम समुंदर में क्यों फेंक दी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद कामरान और आप सबको नॉलेज जिप की एक और किस्त में खुश आमदीद। दोस्तों, अल सिलसिला तो सहीहा की हदीस नंबर 2464 में आया है कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल से रिवायतें बयान करो, कोई हर्ज नहीं, क्योंकि उनमें अजायबात गुजरे हैं। फिर आप बयान करने लगे। बनी इसराइल का एक ग्रोह बाहर निकला और किसी कब्र के पास आए और कहने लगे, अगर हम 2 रकात नमाज पढ़ें और अल्लाह अज़्ज़ा व जल से दुआ करें कि वो मरने वाले लोगों में से किसी को कब्र से बाहर निकाले ताकि हम उससे मौत के बारे में पूछ सकें। उन्होंने ऐसा ही किया। वो अभी इसी कैफियत में थे कि अचानक एक आदमी का सर कब्र से नमूदार हुआ, काला और गोरा। उसकी आंखों के दरमियान सजदों का निशान था। उसने कहा, ऐ लोगो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं 100 साल पहले मर चुका हूँ, लेकिन मौत की हरारत अब भी महसूस कर रहा हूँ। अल्लाह अज़्ज़ा व जल से दुआ करो कि मुझे उसी हालत में लौटा दे जिसमें मैं पहले था। तो नाजरीन, अब हम जानेंगे कि बनी इसराइल के एक मकरूज आदमी ने कर्जे की रकम समुंदर में क्यों फेंक दी। अल सिलसिला तु सहीहा की हदीस नंबर 3117 में आया है कि अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल के एक आदमी ने दूसरे से 1000 दिनार कर्ज का मुतालबा किया। वो कहने लगा, गवाह लाओ जिन्हें मैं गवाह बना सकूँ। वो कहने लगा, अल्लाह ही गवाही के लिए काफी है। वो कहने लगा, फिर कोई जामिन ही ले आओ। उसने कहा, अल्लाह ही जमानत के लिए काफी है। उस आदमी ने कहा, तुम सच बोलते हो, और उसे एक मुकर्रा मुद्दत तक 1000 दिनार दिए। वो समुंदर में निकला, अपनी जरूरत पूरी की। जब वो मुकर्रा मुद्दत आ गई तो उसने सवारी तलाश की, लेकिन सवारी नहीं मिली। उसने एक लकड़ी ली, उसे खुरच कर उसमें सुराख किया और 1000 दिनार उसमें रख दिए और इसके मालिक की तरफ एक खत रख दिया। फिर इस खाली जगह को भर दिया और उसे समुंदर पर ले आया। कहने लगा, ऐ अल्लाह, तुझे मालूम है कि मैंने फलां से 1000 दिनार कर्ज लिया था। उसने मुझसे गवाहों और जामिन का मुतालबा किया था, तो मैंने कहा था कि अल्लाह ही जमानत के लिए काफी है। वो तेरी जमानत पर राजी हो गया। मैंने सवारी तलाश करने की बहुत कोशिश की ताकि इसका हक उसे अदा कर दूं, लेकिन मुझे सवारी नहीं मिली। मैं उसे तेरी अमान में देता हूँ। फिर इस लकड़ी को समुंदर में फेंक दिया। वो आदमी भी देखने लगा जिसने कर्ज दिया था कि शायद कोई सवारी इसका माल ले आए। क्या देखता है कि वो लकड़ी है जिसमें इसका माल था। वो उसे जलाने के लिए पकड़ लेता है। जब उसे फाड़ता है तो उसमें माल और खत देखता है। वो उसे ले लेता है। जब वो आदमी आता है तो उससे कहता है, मुझे कोई सवारी नहीं मिली थी। कर्जदार ने कहा, अल्लाह ताला ने तुम्हारी तरफ से वो माल अदा कर दिया है जो तुमने लकड़ी में भेजा था। तब वो शख्स 1000 दिनार लेकर वापस पलट गया। तो दोस्तों, इससे हमें ये सबक मिलता है कि जो लोग अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, अल्लाह ताला हमेशा हर मुसीबत, परेशानी और गम में उनकी मदद करते हैं। नाजरीन, हमारी ज्यादातर वीडियोस जो इस्लाम या दूसरे मजाहिब से ताल्लुक रखती हैं, ये महज किस्से कहानियां नहीं होती बल्कि कुरान करीम और अहदीस मुबारका होती हैं, और इनमें कोई ना कोई सबक जरूर मिलता है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक और सच की राह में चलते हुए जन्नत अता फरमाए। तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। हमारी अगली वीडियो तक अपना, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नासिर।